नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD Tutor पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, कर्मचारी चयन आयोग ने आपका स्टाफ नर्स एडवर्टाइजमेंट 15/2019 कैटेगरी नंबर 10 और 19 के लिए जो डिटेल रिजल्ट है फ्रेंड्स वो जारी कर दिया है। अब इसमें क्या क्या अपडेट दी गई हैं, क्या क्या इसमें आपको डिटेल दी गई है, इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। और आप ये PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आपको ये PDF मिलेगी, इस वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए साथियों, अगर आपने स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आवेदन किया था, चाहे आपने एक कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था, चाहे दोनों कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था, आप एग्ज़ाम देने गए थे या नहीं गए थे, सभी कैंडिडेट का ये डिटेल रिजल्ट है। सबसे पहले इसमें कैंडिडेट रोल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद रिटर्न का स्टेटस दिया हुआ है कि कोई कैंडिडेट अगर एबसेंट है तो एबसेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखा हुआ है, और जो प्रेजेंट था फिर उसके रिटर्न के मार्क्स दिए हुए हैं। अगर फिर वो स्क्रूटनी के लिए एलिजिबल था तो एलिजिबल लिखा हुआ है, और अगर कोई स्क्रूटनी के लिए एलिजिबल नहीं था तो वो खाली छोड़ा हुआ है कॉलम। उसके बाद नो जॉब के मार्क्स अगर हैं तो वो दिए हुए हैं, विडो या फादरलेस के हैं तो वो दिए हुए हैं, डीनोटिफाइड है तो वो है, एक्सपीरियंस के हैं, सोशियो इकोनॉमिक के हैं, फिर लास्ट में ग्रैंड टोटल उसका दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये स्टाफ नर्स के लिए आपका डिटेल रिजल्ट आ गया है, और कुल मिलाकर 677 पेज की फाइल है। कितने पेजेस की फाइल है? 677 पेजेस की फाइल है। आप इस PDF को HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नेम MD Tutor पब्लिकेशन के नाम से ही है। आप टेलीग्राम जो चलाते हैं वहाँ पर सर्च कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर लें, और वहाँ से आप ये PDF जो है ले सकते हैं। तो मैं एक दो कैंडिडेट का और आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कैंडिडेट 37 स्कोर था इनका, और BCA कैटेगरी में एलिजिबल रहे ये स्क्रूटनी के लिए, और नो जॉब के 5 मार्क्स मिले, 5 इनको एक्सपीरियंस के मिले, टोटल 42 स्कोर हुआ। फिर एक कैंडिडेट है 33 इनके मार्क्स थे, एलिजिबल रहे जर्नल में DV के लिए, 5 मार्क्स नो जॉब के, 5 एक्सपीरियंस के, कुल मिलाकर 38 इनका स्कोर रहा। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट थी जो आपको देनी थी। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका रिटर्न में 33 स्कोर था, DV में एबसेंट रह गए, तो उनका फिर फाइनल सिलेक्शन वैसे ही होना था। धन्यवाद।